दिस इज चैप्टर नंबर 13 बिग्स एंड क्लॉज. सो दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर. सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू 3 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. सो फर्स्ट पार्ट वी विल लर्न अबाउट द बिग्स ऑफ द बर्ड्स. कम टू द चैप्टर. सो डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग्स एंड क्लॉज. सो ऑल द बर्ड्स आर नॉट द सेम टाइप्स ऑफ बिग्स एंड सेम टाइप ऑफ क्लॉज. बिग्स क्लॉज मतलब पंजा. सो द शेप्स ऑफ द बर्ड्स बिग्स एंड क्लॉज डिपेंड्स ऑन द फूड इट ईट्स. दैट मीन्स वट एवर द बर्ड्स नॉर्मली ईट दैट डिपेंड्स अपॉन द फूड हैबिट्स ऑफ द बर्ड एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द देयर बिग्स एंड क्लॉज. सो वट काइंड ऑफ द फूड दे नॉर्मली ईट. If they are just eating the flesh, so they have the different kinds of claws and beaks. And if they are just taking the grains, so they have the other types of beaks. Okay. Come to the beaks. What is the utility of beaks of the birds? First point, birds do not have teeth. उनके दांत नहीं होते हैं. They don't have the teeth. They have a beak. उनका चोंच होता है. तो वो क्या बोलते हैं उसको बिक बोलते हैं. द बिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड बिल्स. बिल्स बी आई डबल एस उसका स्पेलिंग लर्न करना. द बर्ड यूजेस इट्स बिक टू फीड इटसेल्फ. सो द बर्ड्स नॉर्मली व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ बिक्स फॉर द बर्ड्स. दे नॉर्मली ईट बाय द बिक्स. दे टेक देयर फूड. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बिक्स. सो देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ बिक्स फॉर सो मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स. बहुत तरह के बर्ड्स होते हैं. दे हैव द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिक्स. फर्स्ट वन इज अ क्रैकर बिक. सो यू कैन सी द स्पैरो. दैट इज अ वेरी कॉमन बर्ड इन आवर डे लाइफ. वी कैन सी स्पैरोज इन एवरीवेयर. ऑल्सो इन आर होम. ऑल्सो इन द कोर्टयार्ड वी कैन सी द स्पैरोज. सो द स्पैरोज एंड पिजन्स हैव अ शॉर्ट थीक एंड कोन शेप बिक. यू कैन सी हियर दिस इज अ वेरी स्मॉल बिक. बहुत छोटा बिक है. एंड दे इट हैज द शेप लाइक वेरी थिक एंड कोन शेप. दिस इज ए कोन शेप बिक. व्हाई दे हैव दिस काइंड ऑफ बिक. बिकॉज इट हेल्प्स देम टू क्रैक ओपन सीड्स एंड नट्स. द बिक्स दे हेल्प देम टू क्रैक द सीड्स एंड ओपन द नट एंड ऑल्सो कैच द स्मॉल ग्रेन्स. सो दे हैव द सो दे आर कॉल्ड द क्रैकर बिक. इट इज कॉल्ड द क्रैकर बिक. कम टू द सेकेंड स्ट्रेडर बिक. स्ट्रेडर बिक यू कैन सी दैट दिस इज वन काइंड ऑफ स्ट्रेडर बिक. दिस इज अ पॉइंटेड हियर देन द बिलो दैट इज अ स्मॉल साइज. सो हॉक्स एंड ऑल्स हैव अ शार्प एंड कर्व्ड बिक. व्हाई दे हैव द कर्व्ड बिक. सो दैट दे कैन टियर द फ्लेश. सो दिस इज यूज टू टियर द फ्लेश. सो दे हैव द स्ट्रेडर बिक. सो टू वर्ड्स आई हैव रिटन हियर हॉक्स एंड ओल्स. यू हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ बर्ड्स. देन दिस इज अ सीजर शेप बिक. सो दिस इज द वुड पिकर. व्हाई दिस इज द काइंड ऑफ बिक इज लाइक दिस. बिकॉज इट हैज टू ड्रिल इन टू द वुड सो दैट दे कैन फाइंड द इंसेक्ट्स फॉर ईटिंग. सो दे हैव द नॉर्मली द वुड पिकर टाइप ऑफ बर्ड्स. दे हैव द सीजल टाइप्स ऑफ बिक. स्ट्रॉ शेप्ड बिक. यू कैन सी दैट ह्यूमिंग बर्ड स्ट्रॉ शेप्ड बिक. इट इज लॉन्गर देन इट्स बॉडी. व्हाई इट हैज द स्ट्रॉ शेप्ड बिक. बिकॉज इट हेल्प्स द बर्ड टू सक द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. फूलों का रस लेने के लिए दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द बर्ड. एंड यू हैव टू रिमेम्बर द स्ट्रॉ इज बिगर देन द शेप ऑफ द बर्ड. देन स्पून शेप बिक. स्पून शेप बिक इट इज अ डक एंड डक टाइप ऑफ बर्ड. दे हैव द स्पून शेप बिक. इट इज द बिक इज देर नॉर्मली दे कैच द इंसेक्ट फ्रॉम द वॉटर एंड ऑल्सो कैच द वॉर्म्स फ्रॉम द वॉटर एंड दे कैन रिलीज फ्रॉम द होल. द मर्ड एंड वॉटर दे कैन रिलीज फ्रॉम दैट होल. So that they have the spoon shaped beak. Next is a spear shaped beak. It is a kingfisher. You can see that in the picture. This is a kingfisher.
why it has the that this kind of beak? Because pelicans and the kingfisher have a sparse beak. It is useful to catch the fishes and the insects in the water. So this is very useful for them. Then is the tweezer beak. Tweezer beak. Insect eating birds like warblers have the thin and pointed beak. You can see in the picture warbler is a bird and it has the pointed beak. The beak helps them to pick the grains and insects. So they have the very they are the small birds and their beaks also very small and it is useful to catch the insects and the grains from the ground. Then is your swim mummy night beak. So it is very famous bird. You can see everywhere and you can see you can hear from the morning the sound of the this bird. This is the crow. And crow has a multi-purpose beak. You have to remember all of this. It has a multi-purpose beak. It helps the crow to eat fruit, seeds, insect, fish as well as the animal flesh. So it is a multi-purpose beak. So it is the Swiss Army knife beak. It is a multi-purpose beak and it is helpful for eating every kind of food. So this much for today. And next part we will learn next day. Thank you. Have a nice day.